जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों को अध्यात्म मीडिया वृंदावन की ओर से मैं कन्हैया पांडे आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि वात्सल्य ग्राम श्रीधाम वृंदावन, इस समय में वात्सल्य ग्राम जिसकी फाउंडर्स संस्थापका साध्वी रितंबरा पूज्य दीदी माँ के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी का षष्ठी पूर्ति महोत्सव यानी 60वां जन्म महोत्सव का बहुत विशाल आयोजन, भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। देश के तमाम बड़े बड़े हस्तियाँ, जिन्हें कहें तो देश के हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी जी, रामदेव बाबा जी पतंजलि योगपीठ से, यानी कई अन्य हेमा मालिनी जी, अनुराग ठाकुर जी, बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े जो देश के तमाम चेहरा हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में यहाँ प्रोग्राम यानी कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अभी जैसे कि माँ साध्वी रितंबरा पूज्या दीदी माँ के जन्मोत्सव पर लगभग 2500 ब्राह्मण संत विद्यार्थी को प्रसाद, भोजन प्रसाद यहाँ पे वितरण किया गया, साथ ही सभी को दक्षिणा और एक एक कंबल माँ के ओर से सब प्रेम भेंट किया गया। यहाँ एक तरफ यज्ञ चल रहा है, जो भक्त हैं हवन कर रहे हैं और माँ के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए माँ के पावन जन्मोत्सव का हार्दिक बधाई दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ही इस आश्रम में आप प्रवेश करेंगे, यहाँ भगवान भोलेनाथ शिव परिवार सहित दिव्य भगवान का जो छवि है, ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर छवि का हम दर्शन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे दूर देश विदेश से माँ के भक्त पहुँच चुके हैं। पूज्या दीदी माँ का जीवन परिचय मैं दो शब्दों में ही बताना चाहूँगा कि आप बचपन से ही धर्म परायणा, धर्म के प्रचार के लिए आपने अपने जीवन को समर्पित किया। सनातन धर्म के रक्षा के लिए, प्रचार के लिए आपने अपने जीवन को बहुत ही अद्भुत समर्पित किया है। इसका ऋणी हम भारतवासी सदैव रहेंगे। आपने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है, आपकी अहम भूमिका रही है श्री राम जन्मभूमि। और आज श्री भगवान मेरे रामलला 22 जनवरी को अपने मंदिर में विराजमान होंगे, इसलिए पूजनीय दीदी माँ के सभी भक्तों ने मिलकर माँ के जन्मोत्सव का बहुत धूमधाम से मनाने का यह निर्णय लिया है। अब मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ, हमारे साथ साथी हमारे कैमरा पर्सन हमारे चिराग जी, उत्सव का हम दोनों दिन का कवरेज लगातार आप तक पहुंचाएंगे। अब मैं चल रहा हूं सबसे पहले आपको लेकर के उस यज्ञ कुंड में, जहां विप्रों के द्वारा आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी के द्वारा वैदिक परंपरा से वहां शिव शक्ति महायज्ञ संपन्न हो रहा है। बने रहिए मेरे साथ। ॐ सर्वसंग्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पालनीयं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये सार्वभौमः सर्वायुषां। वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या साध्वी रितंबरा दीदी माँ के जो षष्ठी पूर्ति महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से हो रहा है, इसकी यज्ञ में जो हमारे प्रमुख आचार्य और वृंदावन के परम विद्वान पूजनीय, हम सबके दिल में बसने वाले पूज्य बाबूजी आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आपके देखरेख में यहाँ की यज्ञ संपन्न हो रही है। पूज्य बाबूजी से मैं निवेदन करूँगा और पूछना चाहूँगा आप तक कि बाबूजी, ये जो यज्ञ उत्सव हो रहा है, इसमें मुख्य कैसा पूजन, वैदिक तरह से कैसा पूजन ये संचालन हो रहा है आपके माध्यम से? यज्ञ परंपरा जो ऋषि मुनियों ने बनाई है, गुरुजनों ने जिसको सिखाया है, उसी का अनुकरण करने की चेष्टा हम लोग कर रहे हैं। एक दिव्य विभूति भारतवर्ष की पूज्या रितंबरा जी, उनकी षष्ठब्द पूर्ति, षष्ठी अब्द पूर्ति, 60 साल की उनकी व्यवस्था जो चल रही है पूर्ति की, उसके अंतर्गत भगवान महामृत्युंजय देव और माँ सर्वमंगला देवी की असीम अनुकंपा से
उनके लिए सर्व आरोग्यता की प्राप्ति हो, दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति हो, इसी दिव्य कामना को लेकर के इस महामहोत्सव में यज्ञ का समावेश किया गया है। इसमें पंचकुंड बने हुए हैं, पंचकुंडात्मक ये यज्ञ है। पांचों कुंडों में मध्य में चतस्र कुंड है, दक्षिण में अर्धचंद्र कुंड है, पश्चिम में वृत्त कुंड है, उत्तर में पद्म कुंड है और ईशान में अष्टाश्र कुंड है। इन पांचों कुंडों में यहाँ की व्यवस्था के अनुसार ये भावना थी कि प्रतिदिन 20 यजमान करेंगे तो 60 यजमानों के द्वारा 3 दिन में हवन की पूर्ति होगी। पर मैंने कहा ऐसा बंधन मत कीजिएगा, जितने भी भक्त आ रहे हैं उनको बिठाइएगा, अधिक से अधिक आहुति हों भगवान शंकर के लिए, माँ जगदम्बा के लिए, स्थापित देवताओं के अष्ट वेदी जो विराजमान हुई हैं अग्निकोण में, गणपति वेदी और योगिनी वेदी, नैऋत्य में वास्तु वेदी, वायव्य में क्षेत्रपाल वेदी और पश्चिम में वर्धिनी वेदी, इसके अनंतर ईशान में नवग्रह वेदी और रुद्र वेदी, तथा जो मध्य में पूर्व में चतुष जो प्रधान वेदी है, चतुर्लिंग दो भद्र एवं गौरी तिलक मंडल। चतुर्लिंग दो भद्र में भगवान शंकर जी को विराजमान किया जाता है, उनका आह्वान करके पूजन किया जाता है, और गौरी तिलक मंडल में जिसमें 292 देवता हैं उन सबका आह्वान करके और माँ जगदम्बा को विराजमान करके पूजन किया जाता है। दोनों का प्रधान पूजन, उसके अंतर्गत उनकी अंग पूजा, आवरण पूजा, सहस्र नामावली से दोनों का पुष्पार्चन करने की व्यवस्था चल रही है। साथ में दीदी माँ के सर्वित कल्याण के लिए श्री महामृत्युंजय जप का भी विधान किया गया है और परसों उसका दशांश हवन, तर्पण, मार्जन। साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती के प्रति मंत्र से आहुति के द्वारा और भगवान शंकर की प्रीति के लिए रुद्री के प्रति मंत्रों से आहुति के द्वारा श्री शिव शक्ति भी यज्ञ का संकल्प लिया गया है। ठाकुर जी की कृपा से परिपूर्ण हो रहा है, ये सद्गुरु की कृपा है, सज्जनों की अनुकंपा है और यही सब प्रकार से सबके लिए आनंददायी हो। संपूर्ण श्रोता, संपूर्ण समाज जो यहाँ आ रहा है उसका सर्वित कल्याण हो, यही मंगल कामना है। पूज्य बाबू जी के मुखारविंद से हम जब ये सुनना चाहेंगे कि पूज्य दीदी माँ के लिए आपका आशीर्वाद और सभी दर्शकों के लिए, क्योंकि आप वृंदावन के याज्ञिक सम्राट हैं, आपका दर्शन करना भी एक अपने आप में एक अद्भुत आनंद आता है, क्योंकि आपकी कृपा, आपके प्रेम हम सबको सदैव मिलता रहे, एक आशीर्वाद दर्शकों के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दीदी भारतम्बरा जी अपने आप में एक विभूति है। मैं 20 साल से मैंने उनकी सन्निधि प्राप्त की है, उनके जितने भी यज्ञ अनुष्ठान, गृह प्रवेश, उद्घाटन होते हैं, आग्रह पूर्वक उनका आमंत्रण जाता है, मैं कराता हूँ। तो इसमें स्वयं वो जैसे वात्सल्य मूर्ति हैं, वही उनकी हमेशा भावना जन जन के प्रति होती है। इस महायज्ञ में भी उनको आशीर्वाद तो क्या दें, उनके लिए आरोग्यता की प्राप्ति हो। बाबूजी भावुक हो चुके और आपके चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आपके पुत्र आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, आप सबके दर्शन और आप सबके सानिध्य ही हम सभी सनातनियों का, हम सभी वृंदावनवासियों का गौरव है। बने रहिए हमारे साथ और भी मैं उत्सव दिखाऊंगा। बाबूजी को चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। Thank you.
वर्ष पूर्ण कर रही हैं। शिव वृक्ष के अंदर मन रहा है, हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं और 22 तारीख को ये उसकी अगर सबसे पहली आवाज किसी ने उठाई है तो परम पूज्य दीदी माँ जी आज हमारे बीच में हैं, जिस जन्मभूमि पर हम मंदिर बनता देखेंगे, अपनी आंखों से देख रहे हैं और उसकी स्थापना में आप जब जाएंगे वहां पर तो पहली आवाज 1990 के अंदर जब आपने वहां पर गर्जना की वह भी परम पूज्य सब लोग कैंडल ध्वनि से गुरुदेव का स्वागत कीजिए। दाशु जी को कितना प्यार करते हो, मेरा ताली भी जाके बताओ। शक्ति अर्जित कर श्रेयस और प्रेयस आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक पक्ष के मध्य सामंजस्य है। हे महामंत्र, हे महाकाल के आज्ञा का राष्ट्रवाद के प्रवर्तक है, ज्ञान योग के परमहंस, कर्म योग राजयोग के अरविंद, जगत में युग पुरुष के रूप में अप्रतिष्ठित आपकी ख्याति देवों में चिरण आदर के प्रथम वासी भरद्वाज की भांति कोटि कोटि सनातनी योद्धाओं के सदगुरु है। पार्वती क्षेत्र में अहिमात्मा ब्रह्म के से अलंकृत नारायण के उपासक ब्रह्मचारी आनंद आदि का रूप दिया, उग्र भैरवी को राष्ट्र के व सर्व मंगला का बोध कराया तथा जगत में अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करे, हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। हमारी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, ये बजती ही रहनी चाहिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, जैसा दीदी मां ने कहा, वे लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर जब बोलते हैं आपका पहले स्वागत करते हैं। और क्या गुरु का याद करूं, सभी महापुरुष हैं और ये